एक बार मैं इसे लाइव कर दूं, क्योंकि लोग वेट कर रहे हैं वहां पर 1 मिनट के लिए। ये YouTube पर लाइव है, कृपया ज्वाइन कर लें। लाइव ज्वाइन कर लें जो लोग जा सकते हैं, जिनको यहां पर आवाज में कोई भी दिक्कत हो प्लीज YouTube पर मूव कर जाएं। कुछ लोगों से रिक्वेस्ट है YouTube पर मूव कर जाएं, आसान होगा वहां पर। जब हम किसी के आगे हाथ जोड़ते हैं तो ये हमारा जो दायां हाथ है ये परमात्मा का परिचायक कहा जाता है, जो बायां हाथ है लेफ्ट हैंड है ये आत्मा का प्रतीक माना जाता है, या स्त्री और पुरुष हमारी जो एनर्जी है वो कह लो आप, इन दोनों को कंबाइंड कर देना। सोच के देखिए हमारा एक कितना ऊंचा भाव है, हमारे शास्त्रों में विदित है ये कि कितना ऊंचा भाव है। आप दोनों हाथ जोड़ रहे हैं, आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाए, एक प्रार्थना है। साथ ही हम क्या बोलते हैं, नमस्ते, अगर हम ये भाषा का उपयोग करें, नमः, नमस्कार है किसे, ते, वो जो आपके भीतर बैठा हुआ है उसे, कौन है वो आपके भीतर जो बैठा हुआ है, उसे ते कहकर संबोधित किया जाता है, वो कहकर, वो, यही वो जो शब्द है वो परमात्मा के लिए, उसको नाम नहीं दिया कोई भी, हमारे शास्त्रों ने इसीलिए सबको स्वीकार किया है, सनातन धर्म ने सबको स्वीकार किया, उन्होंने कुछ को नाम नहीं दिया, वो जो सुप्रीम है, जिसके सिवा कुछ और नहीं है, वो जो सबका स्वामी है, वो जो अंतर्यामी है, वो जो घट घट में बैठा है, वो जो हमारी हमें चला रहा है, जो मेरे मुंह से बोल रहा है, आपके कानों के द्वारा सुन रहा है, वो जो समस्त संसार को चलाने वाला है, बनाने वाला है, क्रिएटर है, वो, उसको नमस्कार है, उसी के लिए सो शब्द इस्तेमाल किया गया, सो, वो। जब कोई व्यक्ति, जैसे शिवोहम शब्द है फॉर एग्जाम्पल, शिवोहम का अर्थ क्या होता है, वो शिव, शिव स्वरूप जो भगवान का जो स्वरूप है वो मैं हूं, आप ही उसका स्वरूप है। इसी तरह से सोहम जैसा एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है, कुछ लोग करते हैं, श्री श्री रविशंकर जी वगैरह करते हैं, सोहम शब्द का अर्थ क्या होता है, वो अहम, मैं हूं, ये सभी बोल रहे हैं, आप बोल रहे हो, मैं बोल रहा हूं, हम ये कह रहे हैं कि मैं वही हूं, वही कौन, वही कौन, उसकी व्याख्या अलग अलग तरीकों से संत करते हैं। अब संत अपना अलग अलग तरीका है उसको कहने का, तो ये अगर अष्टावक्र जी की भाषा को देखा जाए, अष्टावक्र जी क्या फरमाते हैं देखो, उनकी भाषा कहते हैं, उदेति भवतो विश्वम वारिधेरिव बुद्धद इति ज्ञातवैक एकमात आत्मानम एवमेव लयम व्रज। क्या कहते हैं, जिस प्रकार समुद्र से बुलबुले पैदा होते हैं उसी प्रकार ये सारा विश्व आत्मा से पैदा हुआ है, इसको जानकर योग की एक रूपता प्राप्त करो। तो जब हम हाथ जोड़ते हैं हम उसी को परिचायक है, ये वो हाथ है, दायां हाथ नॉर्मली कहा जाता है, उसका प्रतीक है, ये हमारा प्रतीक है, इसको जोड़ देना मतलब हम उसके प्रति रिसेप्टिव हो गए हैं, हमारी आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाए। कहा गया है कि जैसे समुद्र से बुलबुले उत्पन्न होते हैं, इस सारा विश्व एक आत्मा से ही उत्पन्न होता है, इस सारा विश्व एक आत्मा से उत्पन्न होता है, हम भी वहीं से उत्पन्न हुए, आप भी वहीं से उत्पन्न हुए, बस ओनली समझ क्या है, समझ क्या है, ये बात का पता नहीं है, ना वो मैं उससे दूर था ना वो मुझसे दूर था, आता ना था नजर तो नजर का कसूर था। एक लहर दूसरी लहर, दो लहरें समुद्र में उठी, एक बुलबुला दूसरा बुलबुला समुद्र में बने, दो बुलबुले बने, एक बुलबुला थोड़ा बड़ा दूसरा छोटा, एक लहर बड़ी दूसरी छोटी, कंपैरिजन चल रहा है, हमारा मन सिर्फ बाहर देखता है,
और कंपैरिजन चालू कर देता है, मेरे अंदर ये गुण, इसमें ये अवगुण, ये ऐसा वो वैसा। दोनों लहरें जब तक बाहरी शरीर को देखोगे तो सब अलग अलग दिखाई पड़ेगा, ये लहरें अगर अपने ही भीतर देखना शुरू कर दें, ये लहरें अगर अपने ही भीतर अपने आप को देखना शुरू कर दें तो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा? जब ये लहर अपने भीतर देखेगी तो वहां पर लहर मिलेगी या सागर मिलेगा, लहर मिलेगी या सागर मिलेगा, लहर या सागर, क्या हैं जी, क्या मिलेगा जरा बोल कर बताएं, ये अगर लहर अपने भीतर देखेगी तो क्या सागर मिलेगा? सागर मिलेगा, तो बात पल्ले पड़ रही है, सागर मिलेगा। समझ में आ रही है बात? तो हमारे भीतर भी जब तक हम बाहरी स्वरूप को देखते रहेंगे तो ऐसा लगता है कि हम दूसरों के जब स्वरूप देख रहे हैं ऊपर से, तो सबके चेहरे दिखाई पड़ रहे हैं, उनके पद, उनका यश, उनका नाम, उनके कपड़े, उनका उनका गोरापन या कालापन, या टेढ़े हैं या मेढ़े हैं या सीधे हैं या जैसे हैं या बड़े हैं या छोटे हैं या अमीर हैं या गरीब हैं, बहुत सारे भेद दिखाई पड़ेंगे बाहरी रूप से देखेंगे तो। लेकिन जैसे ही भीतर डुबकी लगाएंगे, मित्र मेरे भीतर का शून्य आपके भीतर के शून्य से अलग है क्या? अलग है या सेम है? सेम है, एक ही है। हमारे भीतर जो शून्य व्याप्त है वो एक ही है, बस उस शून्य को पहचान कर हम नमस्कार करते हैं। आप उसको उस रूप में देख लो या इस रूप में देख लो, ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, राइट? आत्मा का कोई लिंग नहीं, नर नारी तन का धर्म अहो, धारणा ध्यान के परे वत्स, सुखमय दुखमय ना वर्ण अहो, यह गुणातीत चैतन्य अहो, वह तुम ही हो, तुम ही तो अहो, वह तुम ही हो, तुम ही तो अहो, वो तुम ही हो, जिसके जाप लोग शिवोहम कहकर करते हैं, रविशंकर जी, श्री श्री रविशंकर जी सोहम कहकर जाप करते हैं, अन्य संत भी बहुत बार सोहम शब्द का इस्तेमाल करते हैं, वो तुम ही हो, वो तुम्हारी ही व्याख्या हो रही है मित्र, अपनी ही आत्मा को पहचानो, बैठकर जानो। एतद्ये, ये जो शब्द आप जपते हो ना, नाम जपते हो परमात्मा का, एतद्ये वाक्षरो ब्रह्म, एतद्ये वाक्षरो परम, इसको इतना मानकर जपना, एतद्ये वाक्षरो ज्ञात्वा, इस एक शब्द को जान लेने के बाद, यो यदिच्छति तस्य तत्, अगर आपने इस एक तत्व को जान लिया तो सब कुछ जान लिया, सब कुछ जान लिया। इस तत्व पर चिंतन करना, नाम का जाप करना, जो भी आप नाम जपते हैं उस पर चिंतन करना, उस पर उच्चारण करना, उसके साथ डुबकी लगाना, उसमें प्रेम से गोता लगाना, बड़ी गहरी चीज है, बड़ी ऊंची चीज है, जरा अंदर डुबकी लगाना, बड़ी अपार महिमा है इस नाम की, बड़ी अपार महिमा है। आइए इस नाम की महिमा में थोड़े संतों की वाणियां सुनते हैं। दादू दयाल जी, संत दादू दयाल जी वचन फरमाते हैं, कहते सतगुरु पशु मानस करे, मानस थे सिद्ध हो सोई, दादू सिद्ध ते देवता, देव निरंजन होई। सतगुरु क्या करते हैं, अपना नाम का दान देते हैं, उस नाम दान देकर एक पशु को मनुष्य बना देते हैं। हम भी तो पशु ही जैसा व्यवहार था ना हमारा, गुरु की कृपा से ये पशु मनुष्य जैसा बिहेव करने लगा है। आपको याद है या नहीं है, मुझे बहुत अच्छे से याद है, जब मैं एक पेड़ के रूप में संसार में जन्मा था, एक पेड़ के रूप में जन्मा था, एक पेड़ के रूप में खड़े, एक पेड़ की क्या गति है, खड़ा है पेड़, सोच के देखिए, हम सभी इन जूनियों से होकर आए हैं, सबके अंदर वही परम तत्व मौजूद है, आत्मा सदा वही शुद्ध बुद्ध है, एनिमल फॉर्म में जन्म ले चुके हैं हम सारे। याद रखना, अगर इस जन्म में आकर ये बात को जानने का मौका, एक एक पेड़ को क्या समझ में आए कि मैं क्या हूं, एक पत्थर को क्या समझ में आए कि मैं क्या हूं, एक पशु को क्या पता चले कि सच क्या है झूठ क्या है, सिर्फ पेट भरने तक वो सीमित है, उसको इतना ही पता है। इस संसार में आकर भी हम केवल पेट भरने का ही काम करते रहे तो पशु में और हम में क्या फर्क है? तो कोशिश करें इस जीवन में खुद को जानने का प्रयास करना, जब कहें
नमस्ते, तो उस नमः करें उस ते को, वो जो आपके भीतर बैठा है उसे नमस्कार है। आप मुझे करें, मैं आपको करूं, हम सब उसको करें, उस सुप्रीम को, उसे नमस्कार है जो सबका, सबके अंदर आत्मा बनकर बैठा हुआ है। हमारे भीतर एक तो साक्षी तत्व मौजूद है, ठीक है, एक इस साक्षी, ये साक्षी कौन है? ये इंद्रियों को देखने वाला है भीतर। मेरे हाथ ये हिल रहे हैं, हाथ हिल रहे हैं, आंखों से देखा जा रहा है, भीतर भीतर मैं मौजूद हूं तब देख पा रहा हूं ना, भीतर मैं मौजूद हूं तभी देख पा रहा हूं। अभी इस शरीर से मैं निकल जाऊं, सब कुछ यूं का यूं है, ये देह यूं की यूं पड़ी रहेगी, लेकिन फिर कुछ भी दिखाई नहीं पड़ेगा। सब कुछ होते हुए भी जो गायब हो गया वो है साक्षी, वो है आत्मा। समझ में आ रही है ये वाली बात? हमारे भीतर वो जो हमारा आत्मा, हमारा होना है। फिर एक है परम साक्षी, इस साक्षी को भी देखने वाला, ये साक्षी जो सब कुछ देख रहा है, इस शरीर रूपी जो ये स्थान है, इसके भीतर इसे कंट्रोल कर रहा है, इसे जान रहा है, उसको, वो जो जानने वाला है, जो साक्षी है, वो है हमारा आत्मा, हमारा होना। जिसने उसे जाना उसने सब कुछ जाना, जिसने उसे नहीं जाना उसने कुछ नहीं जाना। उसको जानने का सर्वोत्तम उपाय क्या है? श्वास श्वास में नाम का जाप करना। शिवो हम, शिवो हम, शिवो हम, बार बार हम जाप कर रहे हैं। कुछ लोग सोहम का जाप करते हैं, करें बड़े प्यार से, ये जानते हुए करना, रट्टा मत मारना, राम राम राम, रट्टा मत मारना, रा, वो राम जो है, जो रोम रोम में रम रहा है, वो दशरथ के बेटे की बात नहीं हो रही है यहां पर, याद रखना। जो बात हो रही है, राम कौन? वो जो रोम रोम में रम रहा है, एक राम घट घट में बैठा, जो राम घट घट में बैठा है, हम उस कण कण में बैठे उस परमात्मा की बात कर रहे हैं। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सगल पसारा, एक राम इन सब ते न्यारा, जो सब कुछ करते हुए भी अलग है, हम उस राम की बात कर रहे हैं। तो जरा याद करना, बड़े प्यार से नमस्कार करना, तो जानना नमस्कार किसको किया जा रहा है, नमस्कार करने वाला कौन है। याद आ जाए लोगों को देख करके, सबके भीतर वही एक परम तत्व तो मौजूद है। कृष्ण कृष्ण कहना, राधे राधे कहना, तो कहना, जानना कि राधे राधे कहने वाला कौन है, राधा स्वामी बोलने वाले बोलना, तो बोलना, जानना कि वो राधा कौन है और उसका स्वामी कौन है। जय सच्चिदानंद कहने वाले, जानना कि किसकी जय की जा रही है, वो जो सच्चिदानंद घन परमात्मा बैठा हुआ है उसकी जय की जा रही है। वो एक ही है, सिर्फ नामों के चक्कर में उलझ मत जाना, नामों के चक्कर में उलझ मत जाना कि मेरे वाला, मेरा फेवरेबल, मेरा फेवर, ये सब एक दिन खेल समाप्त हो जाएगा। रहने वाला आप वो परम तत्व हैं जो इस सारे खेल के पार हैं। उसकी पहचान हो रही है, उसकी पहचान हो जाना ही आत्मज्ञान है। हो रही है पहचान? समझ में आ रही है बात उसकी? हां जी, बात पल्ले पड़ रही है, समझ में आ रही है? धीरे धीरे वो परम तत्व जो अंदर में बैठा हुआ है वो समझ में आ रहा है, राइट? कोशिश करना उस परम तत्व को जानने की। अभी साथ रहते रहते हो जाएगा, बड़ा आसान होगा, क्योंकि एक जागते दिए के पास, एक जलते हुए दिए के पास, बाकी पास में जो दिए रखे हों और वो जले हुए ना हो, बुझे हुए दिए हों, तो उनकी लौ भी फड़फड़ाने लगती है देख कर कि यहां हो सकता है तो यहां क्यों नहीं हो सकता, ये जल सकता है तो मैं क्यों नहीं जल सकता। विशेष नहीं है, याद रखना, अगर आप विशेष करके अलग कर दोगे, नहीं 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 यार, ये तो बहुत महान है, गए काम से, सारा खेल खत्म, ये उपमा कभी मत देना। मेरी बात समझ आ रही है? इसीलिए इक्विलेंट लेवल पर बैठकर बात करना, बराबरी के लेवल पर, बस सब कुछ सेम है, आग कहीं ज्यादा और कहीं कम, बस वहां जल रही है और यहां नहीं जल रही, तो जले हुए दिए के संपर्क में बुझे हुए दिए आकर उनके अंदर भी लौ भभक के जल उठे, वो भभक पैदा हो रही है, हो रही है, अंदर आग पैदा हो रही है, समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? वो आत्म ज्ञान की ज्योति अंदर भभक के जल उठे, जान सकें खुद को कि मैं कौन हूं, बस इतनी सी बात। इसी का नाम है सत्संग, इसी का नाम है सत्संग।
कभी गुरु शिष्य परंपरा में चीजें सिखाई जाती थी, आज मित्र बनकर सिखाया जा रहा है, दोस्त बनकर, भाई बनकर, पिता बनकर, जिस रूप में भी समझ लो, कि प्यार से बात समझ लो, बस इतनी सी बात कि जो 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 कहा जा रहा है बस वो आपके सीने में उतर जाए। जो जो राज है, जो सीक्रेट है, जो ज्ञान है, ये सीधे सीधे उतर जाए। और इस मामले में मैं अष्टावक्र जी की बहुत महिमा बहुत करता हूं। अष्टावक्र जी ने कोई वहां पर लाग लपेट नहीं रखा, उन्होंने कहा ही नहीं। और सेम अवधूत स्वामी भगवान दत्तात्रेय, कोई उन्होंने बीच में भेदभाव नहीं रखा। उन्होंने कहा कि जैसे पतंजलि जी क्या बोलते हैं कि तुम्हें खुद से खुद को जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, वो से जप जप तप नियम धर्म संयम साधन सब करने पड़ेंगे। ये पतंजलि योग पीठ में, पतंजलि वाले योग वाले वो बोलते हैं। लेकिन जब बात आती है अष्टावक्र की और अवधूत स्वामी दत्तात्रेय की, वो सीधे सीधे बोलते हैं कि भाई काहे की टेंशन लेते हो, तुम अलख निरंजन ईश्वर हो। बात शुरुआत ही यहां से करते हैं, बताओ उसमें क्या भेदभाव करोगे, क्या भेदभाव करोगे? तुम अलख निरंजन ईश्वर हो, तुम सूरज हो, दिन रात नहीं, इससे ज्यादा क्या बनोगे? आकार झूठ है, माया है, शाश्वत अविनाशी निराकार, ये सारे आकारों के भीतर जो वो परम तत्व बैठा है वो तुम हो। सीधा सीधा उसे जान लो ना, प्यार से जान लो, प्यार से जान लो। आसान है, अभी आसान है। किसी को जाने हुए के पास बैठकर समझ आ जाना बहुत आसान है, बड़ा इजी है, कोई मुश्किल नहीं लगता। वरना बात इतनी आसानी से समझ में नहीं आती, फिर दूसरों के वीडियो देख लेने से या बात पल्ले नहीं पड़ती। जो जो जागते हुए सामने बैठना ना, ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। इसको समझो और इसको अब्जोर्ब कर लो, इस बात को समझ लो, फायदा उठा लो कि एक भवक पैदा हो जानी चाहिए अंदर, मुझे भी जानना है, मेरे अंदर भी वह परम ज्ञान का सागर उत्पन्न होना चाहिए। जो आग वहां लगी है वो आग यहां भी लगनी चाहिए। इस सीने से उस सीने में ट्रांसफर हो जाए तो मैं समझूंगा कि काम पूरा हो गया। बात पल्ले पड़ रही है, समझ में आ रही है? हाँ जी, तो ये बात जो है धीरे धीरे अंतर में उतर जाए, आसान है, अभी हो जाएगा, ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो ये ज्ञान, अब इसको, इस नाम को जान लेना और इस नाम को जप लेना सर्वोत्तम साधन है। ये जो नाम जो साधन है, ये भक्ति योग का घी कहा जाता है। मेरे गुरुदेव फरमाते हैं, तत्स्नेह प्रेम की बाती योग अगन जिनके, कहते परमात्मा की आरती उतारनी हो ना तो तीन चीजों की जरूरत पड़ती है। तत्व ज्ञान रूपी घी, ये जो अभी समझाया जा रहा है ये तत्व ज्ञान है, घी डाला जा रहा है। फिर प्रेम की बाती और योग की अग्नि। प्रेम, प्रेम की बात ही समझ में आती है, रूई की बात ही बनाते हैं, तो प्रेम की बात ही बना लेना। बात उसकी भी जरूरत है, बिना बाती के घी थोड़ी जल जाएगा काले, बाती चाहिए भाई, तो प्रेम चाहिए, बिना प्रेम के नहीं होगा, तो प्रेम की बात ही चाहिए। तत् स्नेह, स्नेह घी को बोलते हैं, तत्व ज्ञान रूपी घी डाल देना, ये है तत्व ज्ञान जो समझाया जा रहा है। और फिर क्या करना, योग करना। योग क्या, अजपा जाप, श्वास श्वास में जाप करना। तो तत्स्नेह प्रेम की बाती योग अगन जिनके, ये तीनों चीजें हो गई, जोत बन गई, घी डल गया और उसके ऊपर योग की अग्नि लगा दी, श्वास श्वास में जप रहे हैं, शिवो हम राम राम ओम ओम ओम, ये वो योग है, लगातार याद दिलाया जा रहा है, याद दिलाना। वियोग मतलब उल्टा, जहां बिछड़े हुए हैं, योग मतलब ये जान लेना, ये जान लेना कि मैं वही हूं, जुड़ जाना, संयुक्त हो जाना, जुड़ जाना। भक्त मतलब जो विभक्त नहीं है, विभक्त मतलब जो टूटा हुआ है, जो अलग मानता है अपने आप को परमात्मा से, भक्त मतलब जो एक मानता है परमात्मा से। हाथ जोड़ना उसी भक्ति का प्रतीक है, इसलिए हम हाथ जोड़कर भक्ति करते हैं, सर झुकाते हैं कि मेरे मेरी आत्मा परमात्मा से मिल जाए, मैं एक हो जाऊं, ये दो ना रहे, ये एक हो जाए। ये बात पल्ले पड़ रही है, अब समझ में आ रहा है? तो ये है, ये बेसिक्स हैं जहां से हम शुरू करते हैं। तत्व ज्ञान रूपी घी, प्रेम की बाती और योग की अग्नि जलाकर अपने भीतर भभक कर जल उठना, भभक कर समझ में आ जाए कि अंदर जो है ना, ये जो ज्योत जल जो ऐसी जले
कि इसकी जोत के अंदर सारे पाप ताप पिघल जाएं। तो सबसे ज्यादा कहां पर ध्यान होता है? यहां पर, माथे के पीछे। क्यों ध्यान लगाया जाता है माथे के पीछे? क्योंकि यहां पर हमारे कर्मों का ढेर पड़े हुए हैं, यहां पर सारे कर्मों के पुराने संस्कार यहां पर पड़े हुए हैं। इसलिए शुरू शुरू में जब यहां ध्यान लगाता है, बड़ी अनइजीनेस सी होती है, बड़ी अनइजीनेस सी होती है। तो मैं क्या बोलता हूं, हमारे गुरुदेव ने क्या बताया, सांस को ना नीचे से लेकर चलना ऊपर की ओर, और यहां पर ध्यान को ठहराने की कोशिश करना, धीरे 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 धीरे, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, धीरे धीरे करना। तो क्या होगा, जो इमोशंस है, हार्ट चक्र है, यहाँ इमोशंस है, इमोशंस यहाँ से ऊपर की तरफ उठते जाएं और धीरे धीरे यहाँ इकट्ठे होते जाएं। तो सारे भाव भक्ति में कन्वर्ट हो जाएं, प्रेम में कन्वर्ट हो जाएं, योग में कन्वर्ट हो जाएं। ठीक है, तो इससे ये सारी बातें इसमें कवर हो रही है। इसमें ज्ञान भी आ रहा है, भक्ति भी आ रही है, योग भी आ रहा है, कर्म योग भी आ रहा है, ज्ञान योग भी आ रहा है, और सांख्य योग भी आ रहा है, सब इसमें कवर हो रहा है। तो गुरुदेव ने हर तीन चीजों को एक साथ कंबाइंड जो है ना बनाया है, क्योंकि तरह तरह के टेस्ट वाले लोग आएंगे यहाँ पर। गुरुदेव ने फरमाया अलग अलग टेस्ट वाले लोग आएंगे, किसी को कुछ समझ आएगा, किसी को कुछ समझ आएगा, किसी को भक्ति, किसी को प्रेम, किसी को ज्ञान, किसी को ध्यान, किसी को कर्म। जिसको जो समझ आ जाए वही, उसमें क्या फर्क पड़ता है। तो दवाई लेनी है, दवाई को गटकना है, आप समझ लो दवाई एक ही है, उसको पानी के साथ गटक लो, उसको दूध के साथ गटक लो, उसको शहद के साथ गटक लो, या नीट ले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, जानी अंदर चाहिए। वो क्या चीज है? वो है तत्व ज्ञान, आत्म ज्ञान। जिस रूप में समझ आता है वैसे आ जाए, बस इस सीने से उस सीने में ट्रांसफर हो जाए, तो ये बहुत बड़ा काम पूरा हो जाए। और ये होगा, और ये होगा, डेफिनेटली होगा, होगा ना? अब मुझे तो भरोसा है, जिसको लेना है उसको भी भरोसा है कि नहीं है? भरोसा है अपनी रिसेप्टिविटी पर कि होगा, विश्वास करना ये होगा। बस जो जो घुट्टी पिलाई जाए ना, वो पी जाना, गटक जाना। कभी कभी समझ में ना भी आए तो भी गटक जाना, और हर जगह हर चीज समझने के लिए भी नहीं होती, बहुत सी चीजें पी जाने के लिए होती है। दवाई को कुछ समझना जरूरी नहीं है, अभी डॉक्टर ने उल्टी सीधी भाषा में क्या लिख के दिया ये भी जरूरी नहीं, अगर भरोसा है ना तो पी जाना बस। वो डॉक्टर कौन है? वो सदगुरु है। सदगुरु ने वो औषधि बनाकर, घोटा लगाकर बना दी है, वो परम वैद्य हैं, राइट, वो परम वैद्य हैं। उन्होंने ऐसी ऐसा प्याला घोट घोट के पिला दिया, सारी चीजें बनाकर, वो नाम जो दे दिया ना, उसमें सारी चीजें, साजों का सारा निचोड़ दा के बना के डाल दिया है। वो ऐसा नाम दे दिया, ऐसा नाम निरंजन डाल दिया है उसमें, कि बस पूछो मत। उसमें सारी बातें कवर कर दी हैं, उसमें सारी बातें कवर कर दी हैं। तो जरा प्यार से डुबकी लगाना एक बार, फिर संतों की महिमा में मैं उस नाम की महिमा बता दूं आपको। इन नाम की महिमा में मलूक दास जी लिखते हैं, राम नाम एक रति पाप के कोटि पहाड़, ऐसी महिमा नाम की जार करे सब छार। एक रत्ती भर का नाम भी हो ना, इतना सा भी जप लिया जाए, और पाप के बड़े बड़े पहाड़ क्यों ना हो, इतना सा नाम जपा हुआ, वो आग के अंदर, आग के इतनी बड़ी आग का, घास का ढेर हो, इतनी सी चिंगारी उसमें डाल दो ना, वो उड़ा देता है उसको, वो निपटा के राख कर देता है। तो बस यही नाम की महिमा है, इस नाम के साथ डुबकी लगाना और गहरी लगाना, बड़ा गोल्डन चांस है। आइए इस नाम को अब मिलकर चैंट करेंगे, जाप करेंगे। तो ये बेसिक्स है जो अभी मैंने बताया। एक दो बातें और मैं समझा दूं थोड़ी सी जो जरूरी हैं। कबीर साहब जी की वाणी में ये बात आती है, कबीर साहब जी अपनी वाणी में फरमाते हैं, दीवाने मन भजन बिना दुख पाई हो। हे मन, तू अगर संसार के पीछे पागल हो रहा है तो याद रख, भजन के बिना बड़ा दुख पाएगा तू। भजन मतलब परमात्मा के नाम का जाप करना, भजन। पहला जन्म भूत का पई हो, सात जन्म पछताई हो, काटा पर का पानी पे हो, प्यासन ही मर जई हो। तो ये मत समझ ले कि तू बड़ा मजे लेगा, ये पहले कि भूत प्रेत की जूनी में भटकता फिरेगा, अगर तूने परमात्मा का नाम का जाप नहीं किया, सात जन्मों तक ऐसे अटका रहेगा। जिन्होंने नाम नहीं जपते, आपको क्या लगता है जल्दी एकदम कल्याण हो जाता है? बिल्कुल भी नहीं। दूजा जन्म सुआ का पई हूं, बाग बसेरा ले हूं। सुआ जो है ना, उसको तोते को बोलते हैं। तो दूजा जन्म ऐसा मिलेगा, मतलब पक्षी रूप में आएगा, कभी प्रेत के रूप में पैदा होगा, टूटे पंख मंडराने अधफड़ प्राण गवई हो।
कभी वहां पे तेरे प्राण निकल जाएंगे। फिर कहते हैं, बाजीगर के बानर होके लकड़ी नाच नचई हूं, ऊंच नीच से हाय पसर के मांगे भीख ना पई हूं। ये अलग अलग स्टेजेस बता रहे हैं, कभी प्रेत योनि में आएगा, कभी पक्षी बनकर आएगा, कभी पशु बनकर आएगा, आखिर कब तक इससे बाहर निकलने की चेष्टा कर। कहते तेली के घर बैला हुई हूं, आखन ढापी ढपे हो, कोस 50 घरे मां चली हूं, बाहर हो ही ना पे हूं। ये मत समझ लेना, अगर परमात्मा का नाम का जाप नहीं करेगा तो हो सकता है तेरे को तेली का बैल बनना पड़ जाए। आसान नहीं है दुख सहना। पांचवा जन्म ऊंट का पई हूं, बिन तोलन बोझ लदई हूं, पैठे से उठन ना पई हूं, खुरच खुरच मर जई हूं। ऊंट का जन्म, बैल का, ये सब होकर आए हो, भूल मत जाना, भूल मत जाना कि ये सब हुआ नहीं है, सब होकर आए हो यहाँ पर। धोबी घर गदहा हुई हो, कटी घास नहीं पई हो, लाद लाद आपो चढ़ बैठे, ले घट ही पहुंचे हो। धोबी ये घर में गधे का बन के काम करना पड़ सकता है, कोई ये मत सोच लियो, आसान नहीं है। पाछिन मैं तो कोआ हुई हो, कर कर गुरही हो, उड़ उड़ के जय मैले थैले गहरे चोंच लगई हो, सतनाम की हेर ना हेरियो, मन ही मन पछतई हो, कहे कबीर सुनो बे साधो, नरक न सहनी पई हो। इसलिए हे मेरे मन, इतने दुखों से अगर बचना है तो नाम का जाप कर ले, जप जप के सफल कर ले अपने टाइम को। यहां पर एक ही चीज, एक ही पैरामीटर होगा, एक ही पैरामीटर होगा, कितना नाम जपा, फाइनली कितने श्वास दिए गए थे और कितने श्वास उसमें सफल किए, कितने श्वास तुम्हें दिए गए थे, हिसाब किताब होगा सिंपली। इतना कैश दिया था, कितना उसके वापसी में क्या लेकर आया, श्वास रूपी कैश दिया गया परमात्मा से, एक एक श्वास पे आपने क्या जपा। इसीलिए हमारे गुरुदेव नाम का जाप श्वासों के साथ करने को बोलते हैं, क्योंकि हिसाब किताब जो होता है श्वासों के द्वारा होता है। श्वास श्वास में नाम जप, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने के अंत का यही श्वास ही होए। हो सकता है कि अंत का यही श्वास ही होए, इसलिए कोशिश करना, ऐसे कोशिश करना कि इस जन्म में जप जप के अपने जीवन को सफल कर लेना। आइए अब इसको सफल करने का प्रयास हम करते हैं। बार बार ये जो अंत में संतों की वाणी का मैं एक बोर लास्ट उदाहरण दे दूं, जो वो फरमाते हैं, कहा भरोसा देह का बिनस जाए छिन माही, सांस सांस सिमरन करो और जतन कछु नाही। कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस इतना कर लो कि श्वास श्वास में सिमरन कर लो, बहुत आसान है, बहुत आसानी से मामला निपट जाएगा। और इस बार भवसागर से पार, इस बार बीच में अटक ना जाना, इसलिए नाम के जाप की ये प्रेरणा बार बार के देनी जरूरी है, ताकि हमारा मन लगातार नाम का जाप करे। आइए अब जब जाप शुरू करते हैं तो सीधे बैठ जाएं, सीधे बैठ जाएं, और अब हम अजपा जाप शुरू करते हैं। कैसे करना है इसका तरीका, आइए शुरू करेंगे। आइए आइए अजपा जाप शुरू करते हैं। अजपा जाप, जो भी परमात्मा का नाम आपको मिला हुआ है उसका जाप करना श्वासों के साथ, ये अजपा जाप है। इसका एक तरीका है मानसिक जाप करना। मानसिक जाप में क्या होता है, मन में रिपीट करना, जैसे मंत्र मान लो राम है, तो आप मन ही मन में किताब जैसे मान लो पढ़ रहे हो तो उसमें आप लिखा राम राम राम, तो आप मन ही मन में राम 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 ऐसे बोल रहे हो, ये है मानसिक जाप। एक आप मुंह से बोलते वैसे ही मन में बोलते हो, ये है मानसिक जाप।
एक दूसरा है अजब आजब। अजब आजब श्वास लेते हुए रा और छोड़ते हुए म, रा म, इस तरीके से जपना है। जो भी नाम अब आपको अच्छा लगता हो उसको श्वास श्वास में जपने का उपाय करते हैं। आइए प्रयास करते हैं, आइए अपना ध्यान लगाएंगे। सबसे पहले अपना ध्यान अपने हृदय सेंटर पर लगाएं, अपना ध्यान अपने हृदय केंद्र पर लगाएं यहाँ पर, और यहाँ पर हृदय केंद्र पर अपने इष्ट गुरु को इनवाइट करें। इनवाइट माथे पर करना है यहाँ पर, तो इनवाइट करें माथे पर। हे मेरे इष्ट देव, हे गुरुदेव, कृपा करें और मेरे माथे पर आकर विराजमान हो जाएं, मेरे माथे पर आकर विराजमान हो जाएं। मैं अपने गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ, आप भी करें। गुरुदेव मेरे माथे पर आकर विराजमान हो जाएं और आपकी कृपा से मैं अपने मन को स्थिर करके आपके श्री चरणों से जोड़ सकूं, मुझ पर ऐसी कृपा करना। ये भाव से अब हम शुरू करेंगे। तो अपने इष्ट या गुरु के चरणों को अपने माथे पर विराजमान करें और श्वासोश्वास जाप शुरू करें। आइए जाप शुरू करें। मैं ओम की चैंटिंग से बोलता हूं, तो आप ओम की चैंटिंग से कर सकते हैं। ध्यान अपनी चेस्ट से शुरू करते हुए, ओ ऊपर उठाएं, माथे के बीच में आए। यहां पर अपने गुरु और इष्ट के चरण कमलों का ध्यान उनका, और ऐसा जैसे मान लो एक पुष्प आपने लिया, एक फूल लिया और ये फूल समर्पित कर दिया उनके चरणों में। प्रभु आपको समर्पित, ये श्वास आपको समर्पित, ऐसा करके उनका आशीर्वाद लेते हुए वापिस नीचे इसी तरह करते जाएंगे। करें बड़े प्यार से ऐसे ही जाप, श्वास श्वास में जाप करें। श्वास श्वास में इसी प्रकार जाप करते जाएं। प्यार से लंबा और गहरा श्वास और हर श्वास में परमात्मा के नाम का जाप। प्यार से भाव से बुलाना, प्यार से, हे प्रभु मेरी श्वास श्वास को अपने चरणों में स्वीकार कीजिए। हे प्रभु मेरी हर श्वास को अपने चरणों में स्वीकार कीजिए।
सांस लंबी जाए, गहरी जाए और साथ में जाप चलता रहे। कमर को बिल्कुल सीधा रखें और गर्दन को थोड़ा सा ऊपर की ओर, ताकि नींद की कोई संभावना ना हो और सांसों में ये जाप चले। श्वास श्वास सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे छिंद। मन लगातार सिमरण में लगा हुआ है और इसको बाहर भागने से रोकें। किसी भी तरह की बाहर की गति को कंट्रोल करते हुए पुनः पुनः अपने मन को छिन छिन मन गुरु चरणी लावे, एक पलक छूटन नहीं पावे। एक पल के लिए भी मन अलग अलग ना भागने लगे, इसको फिर कंट्रोल करके अपने श्वासों पर ले आइए।
मन बिल्कुल शांत अपने प्रभु में लीन होता जा रहा है। अपने भीतर एक साक्षी भाव से खुद को देखें कि नाम जपा जा रहा है, स्वमेव जपा जा रहा है, आप जप नहीं रहे, जपा जा रहा है और आप भीतर से इसे देख रहे हैं। आप भीतर से इसे देख रहे हैं, जान रहे हैं। साथ ही प्रेम का भाव भी मन में चलने दें। लाख कोस जो गुरु बसे हैं, दीजे सुरत पठाए, शब्द तुरी असवार हो, पल पल आए जाए। लाख कोस पे भी गुरु बसते हो ना, तो दीजे सुरत पठाए, अपने मन को उनमें लगा दीजिए। शब्द रूपी घोड़े पर यानी ना श्वासों के साथ जपते हुए पल पल अपना ध्यान गुरु के चरणों से जोड़े रखिए। गुरु चरणों का ध्यान मन में बनाए रखें और पल पल अपने श्वासों के साथ जाप करते चलें। धन्य है वो लोग जो जप रहे हैं, श्वास श्वास सफल कर रहे हैं। आत्मा की प्यास बुझ रही है, शांत हो रही है, आनंद हो रहा है भीतर। ज्ञान और भक्ति का ये अनूठा संगम हमारे भीतर घटित हो रहा है और हम बहुत शांति पा रहे हैं। ये जो श्वासों में नाम चल रहा है, ये परमात्मा का ही दूसरा स्वरूप है। दोनों हाथ जोड़कर खुद को नमन करें, इस नाम को भीतर से नमन करें,
नाम देने वाले गुरु को, सदगुरु को नमन करें, मन ही मन में धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए नॉर्मल होते जाएं धीरे धीरे। एक बार अपने गुरु के चरणों में नमस्कार करते हुए, धन्यवाद करते हुए, शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने इतनी देर तक हमसे सिमरण कराया, मेडिटेशन करवाया, इसके लिए उनका बारंबार शुक्राना। थैंक यू वेरी मच, बहुत 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 शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया। दोनों हाथों पर रब करके आंखों पे लगा लें, धीरे धीरे आंखें खोल लें। और बड़े प्यार से मुस्कुराएं, शुक्रिया अदा करें, धन्यवाद करें प्रभु का, जिन्होंने इस संसार में रहते हुए इतनी खुशियां दी, इतना आनंद दिया। गुरुदेव फरमा रहे हैं, सबको हंसने का मौका दो, हंसाओ और खूब एंजॉय करने दो, ये ब्यूटीफुल समय है। लेट्स लाफ। प्यार से थैंक यू। खुश हो जाए, आनंदित हो जाए, परमात्मा ने इतनी खुशियां दी है, आनंदित हो। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही खुशियां बनी रहे, आनंद बना रहे सब चरणों में, ये विनम्र प्रार्थना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। भक्ति मार्ग में बहुत ज्यादा सीरियस हो जाते हैं लोग अधिकतर। मार्ग में चलते हुए सीरियस होना अच्छा है, होना भी चाहिए, इंसान को कैजुअली नहीं लेना चीजों को। बट यस, हर समय चेहरे पर 12 बजे रहे ऐसा भी अच्छा नहीं। इसके लिए जीवन में आनंद जरूरी है, उत्सव जरूरी है, सेलिब्रेशन जरूरी है। लेट द सेलिब्रेशन हैपन। चलिए अभी यहीं पर आज समय इतना ही है, आज यहीं पर सत्र को समाप्त करते हैं, यूट्यूब का सेशन यहीं ओवर करते हैं। जो लोगों ने अभी तक यूट्यूब पे नहीं गए हैं तो यूट्यूब पे क्लिक करके, लाइक करके फिर वापस आ जाएं। थैंक यू वेरी मच। जिनको अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कर दें। राइट, थैंक यू वेरी मच। भगवान के प्रति जो प्रेम आपको दिखाना है वो दिखाइए, आपके मन में जो भाव आए वो पूरा कीजिए। सेवक का हर भाव पर अपने स्वामी से ही जुड़ा है। जब आपने उनको अपना सर्वस्व ही मान लिया है तो फिर उनको हर रूप में प्रेम करो ना। किसने मना किया है, किसने कहा है कि आप सिर्फ उनसे फॉर्मेलिटी ही करो, फॉर्मेलिटी ही करो? तो फॉर्मेलिटी जरूरी नहीं है। अपने प्रभु के प्रति, अपने इष्ट के प्रति हमेशा ऐसे भाव रखिए जैसे वो आपके अपने हैं, और अपनों के साथ आप जिस तरीके से भी बिहेव करते हैं वैसे ही करें। कोई भगवान से बहुत फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है,
भगवान जब विदुर के घर पहले दुर्योधन के पास गए थे ना, शांति दूत बनकर जब गए थे, सो शांति दूत में तो जो देखना था देख लिया, वहां से तो लौट आए। अब वो विदुर फाइनली विदुर जी के घर में गए कि भाई दुर्योधन का मेवा त्यागो साग विदुर कर खाया, सुनते हैं ना ये वाली बात। जिस समय वो घर में गए तो विदुर जी घर पर नहीं थे, विदुरानी उनकी जो वाइफ थी वो घर पर थी। अब वो कहते हैं कि वो उस समय में स्नान कर रही थी, भगवान ने जब जाकर अपनी मीठी वाणी से पुकारा कि वो घर पर है, तो उनका भाव इतना उत्तम था, फिर वो जब वो वापिस आए बाहर आए तो उन्होंने बड़े प्यार से भगवान के लिए कि बस जैसे उनको देखते ही सुध बुध भूल गए, अपने प्रेम में लीन हो गए, नेत्रों से अश्रु धारा बहने लगी, तो भगवान के लिए जो है वो केले ले आई, केले पड़े हुए हैं, अब केले जो है भगवान को भोग लगाने के लिए, प्रभु मेरे घर पर भगवान आए हैं, मेरे इष्ट आए हैं, प्रभु प्यार से उनको स्वागत करती है, सत्कार करती है, तो केले का भोग लगाती है, वो भोग के गुदा है उसको उठा के फेंकती जाती है, और जो छिलका है वो भगवान के मुंह में डालती है। अब भगवान दयालु प्रेम के वश में बड़े प्यार से भोग लगा जा रहे हैं, वो अश्रु धारा वहां भी बह रही है और अश्रु धारा यहाँ भी बह रही है, दोनों अपना आनंद में लीन है। ये प्रेम लीला बड़े लंबे समय तक ऐसे ही चलती रही, ये खेल चलता रहा, जिसके जो भाव भगवान तो पूरे करते हैं। अब इतनी देर में विदुर जी आ गए, विदुर जी देख रहे हैं भाई ये क्या लीला चल रही है, ये तो अलग सा खेल चल रहा है। तो जरा प्रभु के चरणों में वंदना करी, नमस्कार किया, प्रभु ने इशारे से बैठने का इशारा किया कि बैठो। और जब तक वो अब वो अब उन्होंने देखा कि ये खेल क्या चल रहा है, कि ये जो गुदा जो है वो फेंक रही है और छिलका खिला रही है भगवान को, तो उसने बड़े प्यार से रोका, भाई भाई ये क्या कर रही है, कौन से पागलपना छा गया, चलो। तो फिर उन्होंने उन्होंने प्रॉपर तरीके से छीला और छिलका फेंक कर गुदा जो है भगवान को खिला रहे हैं, तो भगवान खाते तो हैं, वे कहते हैं विदुर वो मजा नहीं आ रहा जो इसके खिलाने में आ रहा था, छिलका खाने में जो आनंद आ रहा था ना वो इसमें नहीं आ रहा, वो छिलका खाने में जो आनंद आ रहा था तू सोच समझ कर खिला रहा है, तू दिमाग चला रहा है, ये जो कर रही थी ना ये भाव से कर रही थी, भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही दरकार है, तो भाव का ही भूखा है, भूखे हैं भगवान, और भाव से ही, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था ना गुरुदेव ने करेले का भोग लगाया, वैसे भी लीला सुनाई थी, तो ऐसे ही भाव से आप जो करें वो मंजूर है, भाव से जो करें मंजूर है। मैंने लास्ट टाइम और भी लीला सुनाई थी, वो जहर का भोग लगा दिया, अब जहर का भोग लगाओगे तो फिर भगवान तो प्रेमियों के वश में है, उन्होंने कौन सा कोई हमारे वो कैलकुलेशन करनी है बैठकर, प्यार से वो क्या क्या भोग लगा लें। तो इसलिए अपने भाव समर्पित करना, हर जगह दिमाग नहीं चलाना, दिमाग चलाने के लिए संसार है ना, संसार में काम करना तो दिमाग चलाना, संसार को भाव से नहीं चलाया जा सकता, लेकिन भक्ति भक्ति में दिमाग नहीं चलाना बिल्कुल भी, जितना हो सके प्रेम में बस डुबकी लगाना, जिस चीज में भाव हो वो स्वीकार करना, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए भक्त का मान न टलते देखा, कोशिश करना है प्रेम में डुबकी लगानी है, तो इसी प्रेम के अंदर हम अपने मन को एक बार अच्छे से लीन करते हैं। आइए एक दो भजनों पर के साथ डुबकी लगाते हैं। आइए हम अपने गुरुदेव को यहाँ बुला रहे हैं प्यार से, तो आप भी अपने अपने इष्ट को बुलाएं, जिनको भी मन में भी आपके मन में जिनके प्रति श्रद्धा है उन्हें बुलाएं प्यार से। देवी राजो मेरे सतगुरु प्यारे अर्ज करूं मैं दाता दर पे तुम्हारे अर्ज करूं मैं दाता दर पे तुम्हारे हृदय विराजो मेरे सतगुरु प्यारे
अर्ज करूं मैं दाता दर पे तुम्हारे, अर्ज करूं मैं दाता दर पे तुम्हारे। हृदय मंदिर मंदिर में में मेरे आसन हो तेरा, आसन पे मेरे प्रभु जी शासन हो तेरा। हृदय मंदिर में मेरे आसन हो तेरा, आसन पे मेरे प्रभु जी शासन हो तेरा। तुझको ये दास एक पल ना बिसारे, अर्ज करूं मैं दाता दर पे तुम्हारे, अर्ज करूं मैं दाता दर पे तुम्हारे। हृदय विराजो मेरे सतगुरु प्यारे, अर्ज करूं मैं दाता दर पे तुम्हारे, अर्ज करूं मैं दाता दर पे तुम्हारे। माया मझधार मेरी सुरति ना भटके, लहरों में भव सिंधु की नैया ना अटके। माया लहरों में भव सिंधु की नैया नाटके, बिन तेरे जग से स्वामी कौन बारे, अर्ज करूं मैं दाता दर पे तुम्हारे, अर्ज करूं मैं दाता दर पे तुम्हारे। हृदय विराजो मेरे सतगुरु प्यारे, अर्ज करूं मैं दाता दर पे तुम्हारे, अर्ज करूं मैं दाता दर पे तुम्हारे। थैंक यू वेरी मच। आप यहीं पे समाप्त करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो YouTube पे अभी इसको ओवर करते हैं। थैंक यू YouTube।